क्षमा कीजिएगा स्वामी, कर्म महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु वो कर्म किस भावना से किया जाएगा वो भावना भी उतनी महत्वपूर्ण है। किसी के कर्मों का आकलन उसके मन की भावना से करना चाहिए स्वामी। एक और एक निर्धन व्यक्ति है जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है, और दूसरी ओर एक लोभी है जो अधिक स्वर्ण पाने की कामना में चोरी करता है, तो दोनों का कर्म और अपराध तो समान हुए ना। दंड एक समान नहीं होता है। मैं जानती हूँ आपकी दृष्टि में मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। अपनी बहन को भ्रमित करके उसके पहले पुत्र के जन्म के समय मैंने बाधा उत्पन्न की, अपनी बहन को दासी बना लिया मैंने। अपनी बहन कद्रू की दास स्वीकार करती हूँ। उसके दूसरे पुत्र को दास बनने के लिए विवश किया मैंने। मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1,000 पुत्रों की दास स्वीकार करता हूं, किंतु ये कर्म करते समय मेरी भावना अत्याचार करने की नहीं थी। मैं केवल अपने पुत्रों को सुरक्षित करना चाहती थी। वेद में भी यही कहा गया है स्वामी कि एक माँ अपने पुत्रों के हित के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, इस संसार के किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकती है। वो जब अनजाने में महादेव ने गौरी पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था, तब मां गौरी ने उन्हें विवश किया था कि उनके मृत बालक को जीवित करें। प्रभु शिव ने हाथी का मस्तक काटकर गणेश के धड़ पर लगा दिया था। माँ तो वो शक्ति है स्वामी जो महादेव शिव को भी अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर सकती है। मैंने जो विंता अरुण गरुण के साथ किया वो सब करने के लिए मुझे इस संसार ने विवश किया था। ये संपूर्ण संसार मेरे पुत्रों के साथ भेदभाव कर रहा था तो क्या करती मैं? हाथों पर हाथ रखकर मौन रहते, अपनी आंखों से अपने पुत्रों पर अत्याचार होते हुए देखती रहती। नहीं स्वामी, मैं इतनी महान नहीं हूं, नहीं हूं मैं इतनी महान। आज मैं इस संसार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं स्वामी। यदि मेरे जप तप व्रत में कोई कमी नहीं थी तो महर्षि दुर्वासा ने वो पारिजात माला विंता के हाथों में क्यों दी? इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। मेरे पुत्र को किसी भी ऋषि ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? जबकि बालकेल ऋषियों ने विंता के पुत्र को आकाश के इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। ये कैसा न्याय है स्वामी, कैसा न्याय है? जिसके मन में अपने पुत्रों के लिए कोई बड़ा स्वप्न ना हो, कोई महत्वाकांक्षा ना हो, जो केवल इतना चाहती थी कि उसके पुत्र अपने माता पिता की सेवा करें, उनके पुत्र को वरदान में वरदान मिल रहे थे। और जो माँ अपने पुत्रों के लिए स्वप्न देख रही थी कि उसके पुत्र सर्वशक्तिशाली हो, इस त्रिलोक पर शासन करें, संसार पर राज करें, उनके पुत्रों को एक भी आशीर्वाद नहीं, ऐसा पक्षपात क्यों स्वामी, क्यों? आपके पुत्र को वरदान नहीं मिला था तो आपने यह तय कर लिया कि गरुड़ को जो वरदान मिला है आप उसे भी फलने नहीं देंगे।
कद्रु, आप वेदों की बात करती है ना? किसी भी वेद में यह नहीं लिखा गया है कि अपने हित के लिए दूसरों को कष्ट देना उचित है। अपनी उन्नति के लिए दूसरों का पतन करना उचित नहीं है, और अपनी रेखा बढ़ाने के लिए दूसरों की रेखा मिटाना अपराध है। आप ये मानती है ना कद्रु, कि आपने जो कुछ भी किया है अपनी संतान की भलाई और उनके भविष्य के लिए किया है, पर ये सारे कर्म करते समय आप ये भूल गई कि एक मां का सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है कि अपनी संतान में ऐसी क्षमता का विकास करे ताकि वो योग्य बन सके। कद्रु, आपने अपनी संतानों को योग्य नहीं बनाया। ये लीजिए, आप दोनों इस मिट्टी से एक एक दिया बनाइए। तक्षक, जल लेकर आओ। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। माताओं से दिए बनवाकर पिताजी क्या समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? ओम विष्णुवे नमः। दिया बन गया स्वामी। आप दोनों दिया बनाना जानती हैं, पर इस दिए को पूरा बना पाई केवल विंता, और वो भी इतना सुंदर क्योंकि आप दोनों के कार्य करने के ढंग में अंतर है। विंता मन ही मन प्रभु विष्णु का नाम लेते हुए केवल दिए पे ध्यान लगा रही थी, पर आप कद्रु, आपका ध्यान अपनी मिट्टी से अधिक इस बात पर था कि विंता क्या कर रही है। और इस बात में आपको यह भी आभास नहीं हुआ कि आप अपनी मिट्टी में पर्याप्त जल डाल पाई या नहीं? संतानों का पालन करना भी मिट्टी के दिए बनाने जैसा ही होता है। इसमें मिट्टी का ध्यान देना पड़ता है कि आपकी संतान की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, ताकि आप उनकी कमियों को ठीक कर पाए और अच्छाई को उभार पाए, जिससे आपकी संतान योग्य बने। किसी और की मिट्टी में अधिक जल डालकर उसका दिया नष्ट करने से आपका दिया अच्छा नहीं बनेगा, और जब तक आप इस अंतर को नहीं समझेंगी, आप और आपके पुत्र इसी तरह समस्याओं में उलझे रहेंगे। एक मां का धर्म होता है कि अपनी संतान को सुख सुविधाएं देने के स्थान पर
उन्हें योग्य बनाए, सही मार्ग पर चलना सिखाए। यदि आपकी संतानें योग्य हैं, तो सब कुछ स्वयं प्राप्त कर लेंगी, और यदि संतान अयोग्य है तो माता पिता का संचय किया हुआ धन और सम्मान दोनों गंवा देते हैं। कितने ज्ञान की बातें कही है पिताजी ने। मां और हम पहले से इतनी पीड़ा में, और पिताजी हमारी पीड़ा दूर करने के स्थान पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। हो क्या गया है पिताजी को? मां को नीचा दिखा रहे हैं और इस दासी की प्रशंसा कर रहे हैं। दासों और मेरे पुत्रों के सामने मेरा अपमान करने की आवश्यकता नहीं थी स्वामी को, और ये बिंदा ये तो बहुत प्रसन्न होगी आज। विंता, आप इस कच्चे दिए को हाथ में लेकर यही सोच रही हैं ना कि आज आपका दासत्व आपके कर्मों का ही फल है। आप अपनी पहली संतान को देखने के लिए जितना व्याकुल थी, आज एक पल उसे दृष्टि भर देखने के लिए तरस गई। यही है प्रकृति का नियम। और तुम दोनों अपने इन भाइयों की स्थिति के लिए अपने इस भाई गरुड़ को उत्तरदायी मानते हो, जबकि सत्य तो यह है कि दोष जितना इसका है उससे अधिक तुम्हारा है। पिताजी, हम तो आते ही नहीं। पिताजी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे भाई अंतरिक्ष में जाने की योजना बना रहे हैं। यही दोष है तुम दोनों का। तुम अपने भाइयों के साथ शासक सा व्यवहार करते हो, उन्हें प्रताड़ित करते हो, उन्हें धमकाते हो। छोटे भाई होकर भी वो अपने मन की बात तुमसे नहीं कह सकते। बड़े भाई को एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, जैसे कार्तिकेय है गणेश के लिए। इतने शक्तिशाली और ज्ञानी होने के बाद भी वो अपने भाई गणेश को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, ताकि गणेश अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर पाए। वो प्रतियोगिता भी करते हैं तो केवल इसलिए कि गणेश अपना उत्तम प्रदर्शन कर सके, किंतु तुम दोनों स्वयं अपने छोटे भाई के मार्ग में कांटे बोते हो, ताकि उसे कष्ट हो और तुम तालियां बजाकर उसका उपहास कर सको। ये मेरा स्थान है। और गरुड़, तुम जानते हो तुम्हारा दोष क्या है? यही कि मेरे भाई अपनी सुरक्षा के लिए मुझ पर निर्भर थे। परंतु मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया। पर ऐसा हुआ क्यों? मुझे पूर्ण विश्वास है कि गरुड़ के मन में इन नागों का हित करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, परंतु उससे एक भूल हो गई। और वो ऐसी भूल है जो हम में से किसी से भी हो सकती है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो भूल क्या है? अपना हाथ आगे करो गरुड़। पिताजी, अपने हाथों में इन पात्र को रख के वहां से यहां चल के आओ गरुड़।
पर ऐसे कि हाथों से अन्न का एक भी दाना भूमि पर ना गिरे। यह कैसी परीक्षा है और कैसे कर पाऊंगा मैं ये? क्षमा कीजिए पिताजी, मैं एक साधारण कार्य भी नहीं कर पाया। अन्य से भरा एक पात्र तुम्हारे कार्य का प्रतीक है और दूसरा पात्र परिवार का प्रतीक है। दूर से देखा जाए तो इन दोनों पात्रों को साधना और कार्य और परिवार के संतुलन को लेकर चलना बहुत साधारण लगता है, पर ऐसा कर पाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। करुण, तुम जिस पथ पर चल रहे थे वो जीवन का प्रतीक है और जीवन में कब क्या होगा ये पहले से निर्धारित नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी तुम्हारे कार्य में अड़चनें आ सकती हैं, कभी परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और ऐसे में ध्यान भटक जाता है और भूल हो जाती है। जब मैं सूर्यलोक के पद से भटक कर शनि ग्रह पहुंचा तो मेरा ध्यान भी भटक गया था। मेरी दृष्टि तो मेरे भाइयों पर थी, परंतु मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मुझे शीघ्र ही सूर्यलोक पहुंचकर अपना कार्य समाप्त करना है ताकि मैं अपनी मां के पास वापस लौट आऊं। इसीलिए जब मैं शनि ग्रह से निकला तो मेरा ध्यान इन सब से हट गया था और केवल सूर्य पुष्प पाने का ही प्रयास करता रहा। यदि मैंने अपने कार्य पर और अपने परिवार पर समान रूप से ध्यान दिया होता तो आज मेरे नाथ भाई मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं अपना दायित्व निभाने में असफल रहा, अपने भाइयों की सुरक्षा नहीं कर पाया मैं। परंतु पिताजी मुझे बस एक अवसर दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा पिताजी। हमें अपनी भूल का आभास है स्वामी, अब केवल आप ही इन्हें बचा सकते हैं। इनके जीवन की डोर टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। आप बताइए स्वामी, हम इनकी रक्षा कैसे करें? मार्गदर्शन कीजिए स्वामी। स्वामी, मेरे पुत्रों की प्राण रक्षा का उपाय तो होगा ना, कृपया बताएं। दया कीजिए पिताजी, हमारे भाइयों को बचा लीजिए। यमदूत यहां? बहुत देर हो चुकी है,